एक को ना
जमन नरमा हुक्म है पानी आवे जाए ये सब कुछ ते पानी दे अंदर है जिहा चीरी लिखिया तेहा हुक्म कमाए कले आवे नाम का सदे ही जाए ये जद तो सृष्टि की रचना की उस बात का परमेश्वर ने यह अटल नियम बना दिता कि जो आया सो चल सी सब कोई आई बारी है सतगुरु जी दे इस तल नियम अनुसार अपनी संसारिक यात्रा पूरी करते हुए जितनी श्वासों की पूंजी परमात्मा ने दरगाह को भेजी सी वो पूरी करते हुए पिछले दिन बीबी भुपिंदर कौर जी सुपत्नी सरदार वीर सिंह जी सतगुरु के चरणों में जागरा जी इंडिया गए हुए सन एकदम सतगुरु का पाणा वरत्या चरणों जागरा जी तिना के परिवार सरदार वीर सिंह जी बेटा तेजवीर सिंह जी सरबत परिवार तिना की मिठड़ी याद के अंदर एक कीर्तन ए हर जस क्योंकि सतगुरु जी ने गुरमत के मार्ग के अंदर यह दसिया कि जो अपने परिवार सा कोई अपना जीव बिगड़ जाता है तो रुदन नहीं करना सतगुरु जी कहते हैं अंत सतगुरु बोलिया मैं पिछे कीर्तन करो निर्वाण जी सतगुरु की बाणी पढ़नी है सुननी है कीर्ति करनी है गुरु का जस गाना है सुनना है वैरागमयी बाणी का कीर्तन गावना तो सुनना है ये सतगुरु जी ने गुरसिखा जस सिखाई ताकि आओ पिछले हुई आत्मा बीबी भुपिंदर कौर जी तिना अब वैरागमयी कीर्तन कीर्तन की स्टड़ी अंदर आओ सारे मेरे को मिलजुल के असी शब्द पढ़िए मैं सौखा शब्द पढ़ रहा हूँ मैं उम्मीद है तुम याद होगी तुम भी ना हाजिरी लाओ जिते तुम विछड़ी हुई आत्मा के वास्ते अरदास वास्ते सतगुरु के चरणों हाजिर हुए हो उत्थे प्यारे भी हाजिरी लगेगी सतगुरु के चरणों श्वास पवित्र हो गए क्योंकि ये परमात्मा का नाम ही है ये हर जस ही है जो जिस समय बैठ के जपया होगा वह श्वास पवित्र हो जाएंगे वह श्वास लेखे आ जाएंगे बाकी तो श्वास एवं ही लंघते जा रहे हैं सतगुरु जी कहते हैं बस केवल ना केवल हर बिन तेरो को ना सहाई काकी मात पिता सुत बनता को कहो उपाई ये माता पिता भैन भरा रिश्तेदार जन दौलत भी सतगुरु जी कहते जिन्हों तू कहता है यह मेरा है ये प्रॉपर्टी मेरी है ये धियां पुत्र भैन भरा मेरे ने कहते कोई नहीं तेरे नाल जाना है जेड़ा जपया होएगा सतनाम श्री वाहेगुरु जिस समय संगत च बैठ के कीर्तन सुनिया होगा तो गाया होगा ताकि आओ सतगुरु की बाणी का एक होर विरागमय शब्द हर जस रे मना गाए लै जो संगी है तेरे अवसर भी त्यो जात है कहो मान लै मेरो आओ कुछ मिनटा दे विच शब्द हाजरी सतगुरु के चरणों च हर जस रे मना गाए ले जो संगी है संपत रथ तामेरा
उपदेश